हाय फ्रेंड, वेलकम टू इजी लर्निंग। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल्स यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का हम यूज करके बहुत मतलब कुछ इंटीग्रल का हम आंसर ला सकते हैं। तो ये हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करें किसी इंटीग्रल को फाइंड मतलब सॉल्व करने में, तो सबसे पहले उसकी कंडीशन होती है कि जो इंटीग्रल इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो जीरो से इन्फिनिट तक होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसमें ई की पावर माइनस एस टी, अब एस की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ई की पावर माइनस एस टी जो है वो होना चाहिए, तभी हम जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो रूल है वो यूज करके उस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं तो उससे हम अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि अभी हमें सॉल्व करना है इंटीग्रेशन जीरो से इन्फाइनिट, ये लिमिट तो जीरो से इन्फाइनिट होनी चाहिए तभी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करके उस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। सो जीरो से इन्फाइनिट ई माइनस 2t साइन क्यूब टी डी टी, ठीक है। अब इस इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहली शर्त क्या थी कि जो इंटीग्रेशन है वो जीरो से इन्फाइनिट तक होना चाहिए, चलो जीरो से इन्फाइनिट है, ओके। दूसरी शर्त हमारी क्या थी कि उस फंक्शन में e की पावर माइनस एस टी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे e की पावर माइनस 2t, s की जगह पे इन्होंने 2 लिखा है, ठीक है, चलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ नंबर होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी। तो दूसरी कंडीशन भी हमारी जो है वो फुलफिल हो गई। तो अब इसको सॉल्व करने में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 की जगह पे हम क्या लिख लेते हैं, सबसे पहले हम 2 की जगह पे s लिख लेते हैं, ठीक है, ठीके? फिर से हम s की जगह पे 2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं, 0 से इन्फाइनिट e माइनस एस टी साइन 3t dt, ओके। अब क्या करते हैं, ये एक्चुअली लाप्लास हो गया क्योंकि हमें लाप्लास की डेफिनेशन आपको पता होगी कि जैसे कि f कोई फंक्शन है तो लाप्लास ऑफ f क्या होता था, 0 से इन्फाइनिट e माइनस एस टी f(t) इंटू dt होता था। तो यहाँ पर भी देखो ऐसा ही कुछ खेल है, यहाँ पे भी 0 से इन्फाइनिट e माइनस एस टी है, तो ये हमारा f(t) हो गया, हो गया, ओके। तो मतलब ये क्या है कि ये साइन 3t का लाप्लास ही है। सो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, सो लाप्लास ऑफ ये कुछ भी नहीं लेकिन क्या है, लाप्लास ऑफ साइन 3t, ओके। इसके हिसाब से ये हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन, ठीक है। तो अब साइन 3t का हमारे पास कोई डायरेक्टली फार्मूला नहीं है, ओके, साइन क्यूब टी का, ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ फार्मूले थे थीटा वाले कि साइन 3θ इज इक्वल टू साइन 3α इज इक्वल टू 3 sin α माइनस 4 sin3α, और यदि कॉस 3α होता तो इसका आंसर आता 4 cos3α माइनस 3 cos α। आपको यहाँ पे साइन था, हो सकता है कि आपको कॉस में पूछ ले, तो ये दोनों फॉर्मूले जो है याद रखिएगा। यहाँ पे था साइन क्यूब टी, मतलब साइन क्यूब टी ये था, सो हम लिख सकते हैं कि साइन क्यूब टी इज इक्वल टू 3 sin α माइनस साइन 3α डिवाइडेड बाय 4, ओके। तो ये मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, ठीक है। सो लाप्लास ऑफ 3 sin α माइनस साइन 3α, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे t है, सो t डिवाइडेड बाय 4, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसका लाप्लास लिनियरिटी के रूल के हिसाब से 3/4 लाप्लास ऑफ साइन टी, 1/4 लाप्लास ऑफ साइन 3t, ओके। अब लाप्लास ऑफ साइन 3t का आपको रूल याद होगा क्या होता था, a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, ओके। तो उसी तरीके से यहाँ पे 3/4, यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है, सो 1 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे a इज इक्वल टू 3 है, सो 3 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 9, ओके। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको,
यहाँ पे भी 3/4, यहाँ पे भी 3/4, 3/4, 3/4 जो है वो कॉमन आ जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं 3/4, यहाँ पे बचा 1/s² + 1 -1/s² + 9। ओके, अब हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 3/4 ऊपर आ जाएगा s² + 9 -s² + 1। ओके, नीचे दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब कि एलसीएम। ओके, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो 3/4 ये s² + 9, ब्रैकेट जब मैं खोलूंगा तो s² - 1, नीचे s² + 1 s² + 9। ओके, तो ये दोनों कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा, 3/4 +9 और -1, सो ऊपर बचेगा 8। ओके, सो 8 / s² + 1 s² + 9। ओके, अब हमें क्या करना है, जो हमने पहले s इक्वल सॉरी 2 की जगह पे s लिखा था, अब हम क्या करते हैं, s की जगह पे 2 लिखते हैं। सो पुट s इक्वल टू 2। ओके, सो 3/4 यहाँ पे था 8 / यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 2² मतलब 4, 4 + 1 मतलब 5। ओके, सो 5 यहाँ पे 2² मतलब 4, 4 + 9, 4 + 9 मतलब 13। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो 4 × 2 = 8, बस अब तो कोई और कटने वाला आई थिंक है नहीं। तो 3 × 2 = 3 × 2 मतलब 6, और 13 × 5 मतलब 65। तो इसका आंसर होगा 6/65। तो हमने इस इंटीग्रल को, इंटीग्रेशन को लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रूल यूज़ करके इसको सॉल्व किया। दो कंडीशन याद रखिएगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रूल यूज़ करने के लिए, किसी भी इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए, वो इंटीग्रल की लिमिट कितनी होनी चाहिए, 0 से इन्फिनिट तक, और उस फंक्शन में e-st s की जगह पे 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो होना चाहिए, तभी इस रूल को यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।